सियासी प्रहार किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, जो आज पहले दौर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी पहल पर बात आगे ले जाते हुए जानकारी दी कि एमएसएमई क्षेत्र में या फिर बिजली वितरण कंपनियों को रियल एस्टेट सेक्टर में क्या राहत दी गई है, उस पर ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है बिग जीरो यानी बड़ा शून्य। ममता ने केंद्र के पैकेज को बिग जीरो करार दिया है। लोगों को उम्मीद थी कि थोड़ी राहत मिलेगी, ये कहा है ममता बनर्जी ने, लेकिन उनका ये कहना है कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का प्रधानमंत्री ने बीती शाम ऐलान किया था, आज उसमें जो वित्त मंत्री ने बातें सामने रखी हैं उन सबको बिग जीरो करार दिया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी कह रही है कि लोगों के साथ धोखा है, राज्यों को इस पैकेज में कुछ भी नहीं दिया गया। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी प्रधानमंत्रियों के साथ दो दिन पहले, और उसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राहत की मांग की थी केंद्र सरकार से और कहा था कि राज्यों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान होना चाहिए। कल जब प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के इस राहत पैकेज का ऐलान किया तो राज्यों को उम्मीद थी कि उनके लिए भी इसमें अलग अलग पैकेज का ऐलान होगा, पैसे का बंटवारा होगा। लेकिन आज पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय वित्त मंत्री ममता बनर्जी की, निर्मला सीतारमण की, और उसमें राज्यों के लिए अलग से कुछ ऐलान नहीं किया गया, इससे लगता है ममता बनर्जी मायूस है। उन्होंने कहा कि यह पैकेज बिग जीरो है क्योंकि इसमें राज्यों के लिए कुछ नहीं है, लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं है।